हेलो दोस्तों, जॉब सीकर की तरफ से मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से सूताहाटा डेवलपमेंट ब्लॉक, जो आपका पूर्व मेदिनीपुर में स्थित है। पोस्ट ऑफिस है सूताहाटा, जहाँ पर आशा कर्मी की नियुक्ति हो रही है। देखिए, इधर पे मेमो नंबर है 1955-6/12/2021, डेट है और लास्ट डेट है आपका 24/12/2021 शाम को 5 बजे तक। एप्लीकेशन सबमिट डायरेक्टली स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट, ये दोनों ही तरीके से हो सकता है। और इसका जो मतलब मेन क्राइटेरिया है, जो मैरिड डिवोर्सी विडो फीमेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकता है ये आशा कर्मी की पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी देखिए, एप्लीकेशन मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द विलेज फॉर व्हिच सी इज़ अप्लाइंग। नीचे मैं पंचायत के नाम, गांव का नाम मैं बताऊंगा जिसके लिए एप्लीकेंट को उस गांव की तरफ से होना चाहिए। ओनली मैरिड डिवोर्सी विडो फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई। शादीशुदा, डिवोर्सी या फिर जो विधवा है, वही फीमेल कैंडिडेट खाली अप्लाई कर सकते हैं। लड़के लोगों के लिए ये आशा कर्मी की पोस्ट सुइटेबल नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन है पास्ट और अपियर्ड इन माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मार्क्स ऑब्टेन इन एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी काउंटेड। कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन में अप्लाई, बट ओनली द माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्क्स विल बी कंसिडर फॉर एलिजिबिलिटी। माध्यमिक पास किए हो या फिर एग्जामिनेशन में अपियर हुए हो, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो उससे ऊपर वाला जो क्वालिफिकेशन है, वो लोग भी एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन जो माध्यमिक लेवल में जो आपका क्वालिफिकेशन है, वही आपका एलिजिबिलिटी के लिए कंसीडर किया जाएगा। एज लिमिट है 30 से 40 साल। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 22 साल मिनिमम है, 22 साल के नीचे अगर कोई कैंडिडेट है तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। खाली 40 साल तक, 30 से 40 साल तक, 22 से 40 साल ये आपका एप्लीकेबल है। और गवर्नमेंट ओनली वेस्ट बंगल SC ST कंसिडर अंडर दिस कैटेगरी। SC ST कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज कंसिडर हो सकता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एज है 30 से 40 साल, लेकिन जो 22 साल तक से जो आपका एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर है, वो SC ST कैटेगरी के लिए कंसिडर हो सकता है। प्रूफ ऑफ एडुकेशन क्वालिफिकेशन, जो जो आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ये फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एडुकेशन क्वालिफिकेशन, परमानेंट रेसिडेंट जो है जिस गांव के है, तो उसके लिए राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसका कॉपी देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एज, आपका माध्यमिक का एडमिट कार्ड और उसके और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है। और मैरिड वुमेन, यानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, डेपिसिट नेम ऑफ हस्बैंड, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट। क्राइटेरिया मैं आपको पहले बता चुका था कि शादीशुदा, डिवोर्स या फिर विधवा औरत ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए जो जो डॉक्यूमेंट है, शादीशुदा के लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट है, डिवोर्स के लिए डिवोर्स सर्टिफिकेट है, और विडो के लिए आपका हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है, ये इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ SC ST मतलब कॉपी, सर्टिफिकेट कॉपी जमा करना पड़ेगा SC ST का। 2 कॉपी सेल्फ साइंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 2 कॉपी आपका सेल्फ साइन किया हुआ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देना पड़ेगा। 1 पेस्टेड इन द स्पेस ऑफ एप्लीकेशन एंड अनदर आप उस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा जेम्स स्क्रिप्ट लगा के। मतलब फॉर्म में जो स्पेस है, उसमें 1 कॉपी आप लगा सकते हो और दूसरा जीन स्क्रिप्ट लगा के फॉर्म के साथ भेज सकते हैं, भेजना पड़ेगा। अभी देखिए, वैकेंसी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। नेम ऑफ द डिवीज़न है हल्दिया डिवीज़न, नेम ऑफ द ब्लॉक सूताहाटा, पंचायत का नाम है कुकराहाटी, जिसके अंदर पे आपका स्वास्थ्य केंद्र जो है, सब सेंटर है ढेकुआ, गुआबेरिया जो सब सेंटर है आगाडोड़ो, चैतन्यपुर उसका जो सब सेंटर है बड़ादा, चैतन्यपुर
और ये जो पंचायत है ग्राम पंचायत होरेखाली, जो सब सेंटर है बेगुनबेरिया, पंचायत है असद तलैया, जो सब सेंटर है असद तलैया। और इसके लिए जो प्रपोज वैकेंसी है सब एक एक करके है। और नेम ऑफ द विलेज मोहनपुर, श्रीधरपुर, बड़ादा, चैतन्यपुर, बहरदब, बड़ातला। अभी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, पहले है आपका, अभी ये इससे देख के आप एप्लीकेशन फॉर्मेट बना सकते हो कंप्यूटर में, या फिर इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। कहाँ से आपको मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए इधर पे वेबसाइट दिया गया है http://portmednipur.gov.in/notice_category/recruitment/। उधर पे जाके ये आप एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जो कैंडिडेट जिसका सुविधा है आप वर्ड फाइल में आप इसको बना भी सकते हो। देखिए ऊपर में और ये ऑफिस यूज ओनली बोल के लिखा हुआ है, सीरियल नंबर ऑफ रजिस्टर, डेट ऑफ रिसीप्ट, ऊपर में पोस्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आशा टू द सब डिविजनल ऑफिसर तोमलुक एगरा हल्दिया कॉन्टाई। देखिए सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इधर पे दो फोटोग्राफ के लिए बोला गया था, एक फोटोग्राफ इधर पे चिपकाएंगे ऊपर में सेल्फ अटेस्टेड होगा और दूसरा फोटोग्राफ फॉर्म के साथ एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा, उसमें भी सेल्फ अटेस्टेड होगा। नाम आपका डिटेल्स, पिताजी का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो जो मैं आपको पहले बताया था वही, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परमानेंट रेसिडेंस मतलब राशन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, एज प्रूफ, विडो, डिवोर्स और मैरिज के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसका, डॉक्यूमेंट्स का कॉपी, प्रूफ ऑफ SC/ST, दो कॉपी फ़ोटो, एक कॉपी लगा देना पड़ेगा और एक कॉपी फॉर्म के साथ देना पड़ेगा, एप्लीकेशन रिसिप्ट नोट, ये सब डिटेल्स इसमें भर के आप बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा। कहाँ पर है ये पहले जो दिया गया है, ये बेंगलुरु का भी आपका फॉर्मेट है। ये देखिए सूताहाटा डेवलपमेंट ब्लॉक PO सूताहाटा डिस्ट्रिक्ट पूर्व मेदिनीपुर, इसमें आप भेज सकते हो, इसमें भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट, जो आपका लास्ट डेट है 24 तारीख दिसंबर महीने में, ठीक है ना। ये देखिए इधर पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ सूताहाटा ब्लॉक अमलत BPHC PO सूताहाटा पूर्व मेदिनीपुर, इस एड्रेस पे भेज दीजिएगा। ऊपर में ज़रूर लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आशा। तो दोस्तों जो जो मेरा भाई जो जो मेरा दोस्त लोग हैं वेस्ट बंगाल का, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो पूर्व मेदिनीपुर क्षेत्र में जो बिलोंग्स करते हैं, ये अच्छा पोस्ट है, लोकल अपने गांव के लिए अपने एरिया के ही अंदर आप लोग काम कर सकते हो, एक बढ़िया पोस्ट है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा चीज़, अगर मेरा वीडियो अगर सही नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप, ये आपका मर्ज़ी है। और कैसे ये चैनल को और भी बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको और भी डेवलप कर सकते हो, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।